हेलो दोस्तों, अगर हम आपसे ये कहें कि ये वीडियो देखने के लिए आपको जेल हो सकती है तो आप क्या करेंगे? आप यही सोच रहे होंगे कि आप जेल से भाग जाएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप इतने भाग्यशाली हैं कि जेल से भाग निकले, तो ये जरूर निश्चित करके भागिएगा कि आपके परिवार वाले किसी गुप्त गुफा में जाकर सुरक्षित जीवन जी रहे हैं। क्योंकि अगर आप जेल से भाग गए तो आपके परिवार वालों को आपकी जगह जेल में डाल दिया जाएगा। अब ये सब सुनकर आप घबरा रहे हैं, तो सोचिए नॉर्थ कोरिया के लोग अपने ही देश में कितनी घबराहट और चिंता के साथ अपना हर एक पल बिताते होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे सन की तानाशाह की, जिसके एक इशारे पर नॉर्थ कोरिया के लोग कब हंसेंगे और कब रोएंगे ये भी तय होता है। तो बने रहिए अंत तक। अपराधी के परिवार को मिलती है सजा। वैसे तो दुनिया के हर देश की सरकार अपराध को कम करने को लेकर कुछ गंभीर कदम उठाती है, लेकिन उत्तर कोरिया अपराध और उसके नागरिकों को नियंत्रित करने के लिए इतना गंभीर है कि जब अपराध किए जाते हैं तो ना सिर्फ हमलावर को दंडित किया जाता है बल्कि उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि अगर कोई नॉर्थ कोरियन जेल से बच निकलने में सफल भी हो जाता है तो उसके पूरे परिवार को पकड़ कर जेल में डाल दिया जाता है। सरकास्टिक टिप्पणियां करने पर होती है जेल। आप में से कुछ लोगों ने 2014 की कॉमेडी फिल्म द इंटरव्यू देखी, जिसमें किम जोंग उन का बुरी तरह से मजाक उड़ाया गया है। जाहिर सी बात है, इस मजाक को किम जोंग उन ने बहुत सकारात्मक तौर पर नहीं लिया था, इसीलिए खुद का मजाक ना बने इसीलिए तानाशाह ने इट्स ऑल अमेरिका'स फॉल्ट और अ फूल हु कैन नॉट सी द आउटसाइड वर्ल्ड जैसे सभी सरकास्टिक टिप्पणियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। और जो कोई भी ये दो वाक्यांश को बोलता पाया जाता है उसे जेल की सलाखों के पीछे फेंक दिया जाता है। नेता की मृत्यु पर मनाना होता है सार्वजनिक शोक। किम जोंग उन की क्रूरता यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि यहाँ नॉर्थ कोरियन नेता की मृत्यु होने पर सार्वजनिक शोक मनाना पड़ता है, जिसमें लोगों को सड़कों पर घुटनों के बल गिरकर रोने और बिलक बिलक कर रोने को मजबूर किया गया था। और जो लोग शोक मनाने नहीं आए थे उन्हें बदले में फांसी मिली। जीन्स पहनने पर है पाबंदी। यहाँ सिर्फ मजाक बनाने और शोक मनाने को लेकर ऐसे अजीब और गरीब कानून नहीं है, बल्कि नॉर्थ कोरिया के लोग क्या पहनते हैं वो भी किम जोंग उन तय करता है। जैसे नॉर्थ कोरिया में आप किसी को भी जीन्स पहने हुए नहीं देख पाएंगे, पर ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ जीन्स अवैध है। दरअसल नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए जीन्स किम जोंग के दुश्मन अमेरिका का प्रतीक है। विदेशी फिल्म देखने की सजा है फांसी। अब इंटरनेट पर विदेशी फिल्में और सीरियल देखना किसे पसंद नहीं होगा, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोग चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने पर नॉर्थ कोरियन लोगों को मौत की सजा सुना दी जाती है। और ये कानून इसलिए भी सख्त है ताकि नॉर्थ कोरिया के लोग ये ना देख पाए कि बाहर की दुनिया में लोग कैसे जीते हैं। विदेशी गाने सुनने पर होती है जेल। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ इंटरनेशनल फिल्में देखने ही बैन नहीं है, बल्कि विदेशी गाने सुनने पर भी यहाँ सजा का प्रावधान है। यानी कि अगर आप उत्तर कोरियाई हैं, तो आपको ऐसा करने पर जेल भेज दिया जाएगा। यहाँ रेडियो और ऑर्केस्ट्रा के बजाए जाने वाले सभी गाने किम जोंग उन से स्वीकृत होने चाहिए। बाइबल रखने पर होती है सजा। नॉर्थ कोरिया में 2 लाख से 4 लाख ईसाई है, इसके बावजूद यहाँ बाइबल बैन है। यानी सिर्फ एक बाइबल रखने से आपको जेल में डाला जा सकता है, शायद आपके पूरे परिवार के साथ। क्योंकि नॉर्थ कोरिया में धार्मिक स्वतंत्रता का कोई अधिकार नहीं है, नागरिकों को किम परिवार की पूजा करने के लिए मजबूर किया जाता है। क्रिसमस पर प्रतिबंध लगाने के बाद किम जोंग उन अब जहाँ के लोगों को अपनी दादी की पूजा करने के लिए मजबूर करता है, मन के मुताबिक हेयर स्टाइल पर भी पाबंदी। नॉर्थ कोरिया के लोग अपना मन पसंद हेयर स्टाइल भी नहीं रख सकते। एक्चुअली यहाँ की सरकार ने लोगों को सिर्फ 28 हेयर स्टाइल रखने की मान्यता दी है, जिसमें से पुरुषों के लिए 10 और महिलाओं के लिए 18 हेयर स्टाइल लागू की गई है। ऐसे में अगर कोई इंसान इन 28 हेयर स्टाइल्स के अलावा कोई और हेयर स्टाइल रखता है तो उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। टीवी पर केवल 3 चैनल देखने की इजाजत है। आज जहाँ लोग OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्में देखना पसंद करते हैं, वहीं नॉर्थ कोरिया के लोग टीवी पर केवल 3 चैनल्स ही देख पाते हैं, जिनमें चलने वाले प्रोग्राम्स भी सरकार की देखरेख में टेलीकास्ट किए जाते हैं। देश का कैलेंडर है पूरी दुनिया से अलग। जहाँ आज दुनिया के सभी देशों में लगभग एक ही कैलेंडर का यूज किया जाता है, तो वहीं नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर दुनिया में सबसे अलग है। जो यहाँ के फाउंडर किम इल सुंग के जन्मदिन पर आधारित कैलेंडर है। पूरी दुनिया में अभी 2022 चल रहा है, लेकिन उत्तर कोरिया में साल 110 चल रहा है। दूसरे देश में कॉल करना भी बनाता है अपराधी। आज जहां लोग इंटरनेट के माध्यम से कहीं भी रहकर दुनिया के किसी भी कोने में बात कर सकते हैं, वहीं अगर आप नॉर्थ कोरिया में रहते हो तो आपको दूसरे देश में कॉल करना भी भारी पड़ सकता है। यानी कि इंटरनेशनल कॉल भी जहां अपराध की श्रेणी में आता है। कॉन्डोम पर भी प्रतिबंध। नॉर्थ कोरिया में ना तो कॉन्डोम बनता है और ना ही कॉन्डोम को बेचा जाता है। किम जोंग ने बर्थ कंट्रोल के सारे तरीकों को लेकर
देश में पाबंदी लगाई है। नॉर्थ कोरिया ज्यादा आबादी वाला सोशलिस्ट देश बने, कौन कहाँ रहेगा ये भी तय करती है सरकार। नॉर्थ कोरिया में लोगों के खाने के अलावा सरकार ये भी तय करती है कौन कहाँ रहेगा। एक्चुअली यहाँ की राजधानी प्योंगयांग में रहने के लिए पहले सरकार की अनुमति लेनी होती है। इसके साथ ही अगर कोई राजधानी में गंदे वाहन के साथ प्रवेश करता है तो गाड़ी मालिक पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। विदेशी यात्रा पर भी प्रतिबंध। उत्तर कोरिया में कोई भी कभी भी बिना सरकार की अनुमति के विदेश यात्रा करने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई यहाँ से भागने या देश छोड़कर जाने की कोशिश करता है तो मार दिया जाता है या फिर लेबर कैंप में भेज दिया जाता है। लेदर जैकेट पर भी लगाए बैन। सर्दी के मौसम में लेदर की बनी जैकेट यहाँ इसलिए नहीं पहनी जाती क्योंकि वो जैकेट किम जोंग उन पहनता है, इसीलिए तानाशाह ने इस पर भी बैन लगा कर रखा है। दरअसल किम जोंग उन ने एक बार एक लेदर जैकेट पहना था जिसकी चर्चा जगह जगह हुई, फिर लेदर जैकेट लोगों के बीच और फेमस होने लगी जिसकी कॉपी भी मार्केट में आने लगी। इसे देखकर ही किम ने लेदर जैकेट बैन करने का फैसला किया। गरीबी दर्शाती हुई तस्वीरें लेना है अपराध। दरअसल नॉर्थ कोरिया में जाने वाले विजिटर्स को भी यहाँ के सख्त कानून मानने पड़ते हैं। जैसे आप गरीब लोगों और गरीबी दर्शाती हुई कोई भी तस्वीर नहीं खींच सकते, और वो इसलिए क्योंकि किम जोंग उन इस तथ्य को छुपाना चाहते हैं कि नॉर्थ कोरिया का लगभग 40% हिस्सा बेहद गरीबी में रहता है और केवल $2-3 प्रति माह का वेतन कमाता है। पर्यटक के हर कदम पर होती है सरकार की निगरानी। नॉर्थ कोरिया में बाहरी पर्यटकों के लिए यात्रा की स्वतंत्रता की अनुमति नहीं है, और जो कोई भी खुद से नॉर्थ कोरिया घूमने की कोशिश करता है वो बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। नॉर्थ कोरिया में एक पर्यटक के रूप में आपके हर कदम की योजना सरकार की निगरानी में होती है। आपको यहाँ पब्लिकली घूमने या टैक्सी लेने की भी आज्ञा नहीं होती। यहाँ कोरियन इंटरनेशनल ट्रैवल कंपनी द्वारा ही आप यात्रा कर सकते हैं और उनके गाइड ही आपको घुमाएंगे। यहाँ आप अपने गाइड के बिना होटल भी नहीं छोड़ पाएंगे। यानी अगर आपको सड़क के उस पार की दुकान से कुछ खरीदना भी हो तो भी आप गाइड के बिना नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसा करते पाए जाने पर आपको और गाइड दोनों को सजा दी जाएगी। ये सब जानने के बाद आप ये सोचकर खुश हो सकते हैं कि आप एक ऐसे देश में नहीं जहां आपका जीवन किसी और के हाथों की कठपुतली है। तो दोस्तों मुस्कुराइए क्योंकि आप नॉर्थ कोरिया में नहीं है। अब कैसी लगी आपको हमारी वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।